होकर के श्रद्धांजलि दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिटा देंगे क्या, ये तारीख मिटा देंगे? हमसे पूछते हैं कि 1938 में जीना क्यों आया था, हम जाके रोके हैं। वो इसलिए आया था क्योंकि खुद सरोजिनी नायडू ने कहा कि जीना जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक है। खुद गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। ये सारी बात हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, एक पूरे हिस्टोरिकल प्रोसेस को इतना प्लेन और सिंपल बना करके पेश नहीं किया जा सकता। मुझे भी आपत्ति है, बीडी सावरकर की पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में लगी हुई है, मुझे इससे आपत्ति है, लेकिन मैं गुंडा नहीं हूँ। ये व्यू क्रिमिनल्स नहीं है जो हम जाकर उनको अल्टीमेटम दें कि हम पार्लियामेंट में घुस रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की मुखालफत की। इनसे बड़ा गद्दार कौन है? यही वो सावरकर है जिसने माफी मांगी अंग्रेजों से। आपके ओबीडियंट, आपके वफादार हैं, आप हमको माफ कीजिए और काला पानी से निकालिए। आज उनकी पोर्ट्रेट वहां रखी है। 1948 में जीना दुनिया से चले गए, 1947 के बाद हिंदुस्तानियों ने जिन्ना को पलट के नहीं देखा। देखा किसने? लाल कृष्ण आडवाणी ने जाकर के देखा। बैठा हूँ मैं, रोज बैठा हूँ, और जिन्ना की तस्वीर वहां पे थी, मुझे याद नहीं कि मैंने देखा हूँ। मैं कभी अपने नेशनलिज्म को लेके, कभी अपने देश प्रेम को लेके, मुझे किसी विलेन की जरूरत नहीं है अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है है, क्योंकि इनके इतिहास में चोर छिपा है, क्योंकि इनके आइडियोलॉग ने माफी मांगी, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के साथ बैठ के सरकार चलाए, क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया की मुखालफत की, इसलिए इनका देश प्रेम खोखला है। इनको जो है सफाई देनी पड़ती है, इसलिए इनको नफरत करनी पड़ती है, इसलिए इनको विलेन ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए इनको दुश्मन बनाना पड़ता है, इसलिए इनको नारे लगाने पड़ते हैं। हमारा नेशनलिज्म नारे से नहीं चलता, हम नारे से नेशनलिज्म नहीं चलाते हैं, हमारा देश प्रेम नारे से नहीं। तो आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ से, ईपी भवन जो कि दिल्ली में उपस्थित है, मौजूद है यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एएमयू के यहाँ पर अपनी बात को रखते हुए। तो आप देख रहे हैं बहरहाल फिलहाल यूपी भवन जो है दिल्ली में, तो तस्वीरें जिस तरह से एएमयू में ब्रूटलिटी पुलिस ने किया और वहाँ के हिंदुवानी संगठनों ने जिस तरह से वहाँ उत्पाद मचाया, उसके लेकर यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है दिल्ली के यूपी भवन के पास। आप सीधे तस्वीरें देखें और सुने। पूरी सरसत खत्म हो जाएगी, उनके पास आवाज होगी, उनके पास अपनी वॉइस होगी, उसको ये दबाना चाहते हैं। ये अलीगढ़ से नहीं शुरू हुआ है, ये सबसे पहले रोहित मिला को एससीओ में इन्होंने विवश किया सुसाइड करने पे, वहां गुंडागर्दी की, क्योंकि एक दलित लड़का पढ़ रहा था, क्योंकि उसकी अपनी आवाज हो जाती, क्योंकि वो इनसे सवाल कर सकता था, इसलिए उसको मार दिया। उसके बाद जेएनयू आए ये लोग, जेएनयू में अभी तक गुंडागर्दी चल रही है। पूछ रहे हैं जेएनयू में कि तुम अभी तक जेएनयू में क्या कर रहे हो? मैं इनसे पूछ के पढ़ाई करूंगा, 30 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर सवाल कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ के पढ़ाई करूंगा कि मुझे कब तक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ये जेएनयू में आए क्योंकि वहाँ एक डिसेंट का माहौल है, क्योंकि वहाँ सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि पढ़ लिया जाएगा तो सवाल उठा जाएगा, उसको तबाह करने की कोशिश की। क्योंकि अलीगढ़ में मुसलमान, दलित, पिछड़े सब पढ़ते हैं, इनकी अपनी जबान हो जाएगी, ये क्रिटिसाइज कर सकेंगे, ये डिसेंट कर सकेंगे और करते हैं, तो किसको दबाने की कोशिश? आज से नहीं, 2014 की सरकार आई है, 2014 में मेरी यूनियन बनी है, आते के साथ इन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप की बर्थडे बनाओ। हमने कहा कि ठीक है आओ और इस पे बात करो कि राजा महेंद्र प्रताप की बर्थडे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। इतने खोखले, इतने बड़े जाहिल हैं ये वलभाई, ये गुंडे, इनको मालूम नहीं कि राजा महेंद्र प्रताप इनके मुखालिफ थे, राजा महेंद्र प्रताप कम्युनिस्ट थे, राजा महेंद्र प्रताप ने अटल बिहारी वाजपेयी को मथुरा से 1957 में इलेक्शन हराया और जमानत जब्त कराई, गायब हो गए, उसके बाद दिखे नहीं, जब पता चला तो उसके बाद कहीं नहीं आए। इनसे पूछा गया कहाँ गए भाई, कर लो, गायब, फोन उठाना छोड़ दिया, पूरा मूवमेंट खत्म हो गया इनका। ये खोखले अब कल आए जिना के खिलाफ बोलने, बताया गया कि जिना के सपोर्ट में आडवाणी गए थे पाकिस्तान में बयान देने, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने महापुरुष बोला है इनको, जसवंत सिंह ने तारीफ की है और अम्बेडकर को जिना ने वहां भेजा था, ये सब चुप हो गए, कल से गायब है, कोई बयान नहीं दे रहा, सिर्फ हल्ला करना जानते हैं, शोर करना जानते हैं, इसलिए इनकी सियासत में नहीं पढ़ने का है। इस इदारे को और इस तरह के तमाम इदारे को इन गुंडों से, इन दंगाइयों से बचाने की जरूरत है। जहाँ भी आवाज उठ रही है, जहाँ भी लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, इसके लिए पूरा संघर्ष की जरूरत है और हम सब साथ हैं। आई एम एएमयू और आई स्टैंड विद एएमयू। क्राइसिस पे, ये जो हमला हो रहा है, इसमें पूरा देश का कैंपस एएमयू के साथ खड़ा है, एएमयू के छात्रों के साथ खड़ा है। मैं अब अगला जो नाम है वो मोहित पांडे हैं, जेएनयू के फॉर्मर प्रेसिडेंट।
तो आप यहाँ पर सुनेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट जेएनयू का यहाँ अपनी बात। पहले तो सबसे पहले एएमयू के साथियों की तारीफ करनी होगी कि जिस समय इन लोगों ने मुद्दा, जैसा कि साथी ने बताया, जिन्ना के चारों तरफ घुमाना चाहा था, आपने मुद्दा खुद ही उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी देशभक्ति पर सवाल लाके उनके मुंह पे खड़ा कर दिया, उनके मुंह पे दे मारा। तमाम बातें आपको बताई जा चुकी हैं, हम लोग पहले से कहते आए, जो दो तीन बातें एकदम पुख्ता बातें हैं उनकी गांठ बांधनी होगी। ये लोग हर जगह, हर कैंपस में, किस कैंपस में जाके आज गुंडाई कर रहे हैं। अब आप देखिए हिंदू युवा वाहिनी के गुंडों को इतनी खुली छूट मिल जाती है कि वो तलवार और तमंचा लेके पूर्व उपराष्ट्रपति, जो अभी उपराष्ट्रपति हटे हैं, वो वहां भी पहुंच जाते हैं। ये हिम्मत इनको मिलती क्यों, कहां से? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो इनका आका है, जो इन गुंडों का आका है, जो संघ के लोग जो इन गुंडों के आका बने बैठे हैं, उनको हामिद अंसारी के खिलाफ जानते हैं। आप लगातार वो लोग बोलते आए, वो जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब इनके सामने कुछ नहीं है, और इसीलिए जाके हामिद अंसारी को हमला करने पहुंच जा रहे हैं। ये लोग खुलेआम कट्टे तमंचे लेकर आज अलीगढ़ की सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। अलीगढ़ में पहली बार दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। अलीगढ़ में उससे पहले महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर भी कई बातें कम्युनिस्ट ट्रेन से खड़ी करने की कोशिश की गई थी। आज आप अलीगढ़ के पुराने जो स्टूडेंट थे उनका पोस्ट देखिए, वो लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो इतने दिनों से अलीगढ़ में पढ़ते आए हैं, वहाँ पे एकदम कम्युनल हारमोनी का माहौल रहता है, वहाँ पे सेकुलर माहौल रहता है, वहाँ पे एक देश दूसरे से बंधुत्व का माहौल रहता है। लेकिन ये संघी गुंडे बाहर से आके, इसको कहते हैं पैरासूट लैंडिंग करके, वहाँ पे बताना चाहते हैं कि हम कितना बड़ा गुंडा है। और जिस समय पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए था, उस समय ये लोग पुलिस भी गुंडा बन जाती है। उन छात्रों को दो तीन बातें जो एकदम पुख्ता बातें हैं वो ये है कि एक तो उन कैंपसेस पे हमला हो रहा है जहाँ से इनके 2 करोड़ रोजगार के एजेंडे को एक्सपोज किया जा रहा है। वहाँ पे एमएलए बता रहा है हमारा यूपी इतना अच्छा, हमारे यूपी में रोज बलात्कार होता है, हमारे यूपी में रोज गुंडे पुलिस को मारते हैं, और गुंडे खुलेआम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के काफिले में हमला करते हैं। और वहाँ पे कर्नाटक में जाकर बता रहा है कि हमारा यूपी बड़ा अच्छा। ये लोग वहीं पर सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं जहाँ पे इनके शिक्षा की पॉलिसी पे वो होता है, खुलासा होता है, जहाँ पे इनकी सामाजिक न्याय की पॉलिसी पे खुलासा होता है, और जहाँ पे बार बार को नहीं सहेंगे उन कैंपसेस पे ज्यादा हमला हो रहा है। आज देखिए ये एएमयू के साथ होना तय था, हम लोग काफी दिनों से बात करते ही आते हैं, कभी माइनॉरिटी तो उस जिन्ना की एक तस्वीर का, छोटी सी तस्वीर का मुद्दा था। अरे जिन्ना की तस्वीर तुम्हारे श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है उनके साथ संसद में लगी, जाके हटाओ, हिम्मत हो, तुम्हारे संसद का प्रमुख लगवा के बैठा, हटाओ। जिन्ना के साथ सरकार में जब, जैसे आज पीडीपी के साथ सरकार में मजा लेते हैं लोग, वैसे ही जिन्ना के साथ जब सरकार का मजा, तुम्हारी तो नसों में उनके साथ परिसर का खून बह रहा है, तुम क्या हम यहाँ पे बात करने आओगे? बात तो वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने खुलेआम जिन्ना की विचारधारा को चुनौती देते हुए हिंदुस्तान में अपना सिक्का जमाया था, अपना बोला था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। बात वो लोग करने के हकदार हैं, ये लोग बात करने के हकदार नहीं है। ये गोडसे बात करने के हकदार नहीं है जिन्होंने गांधी को यही इसी तरह की मतान्धता के चलते, इसी तरह की नफरत गांधी के चलते मार दिया था। ये लोग उस चीज का हकदार नहीं है जो लोग रोज अम्बेडकर को गाली देते हैं। अभी जब SC ST एक्ट के जो डायरेक्शन किया जा रहा है उसके खिलाफ बंद था, लगातार दलितों को गालियां दी गई, तब कहाँ थे इनके मिनिस्टर? नकली तरीके से जाके खाना खा रहे हैं वहाँ पे यूपी में, तब कहाँ थे? और ये सब चीज चलने वाली नहीं है, ये सब इनका खुलासा करना जरूरी है, और एएमयू के साथियों ने वो करके दिखाया। कल जिस तरह से एएमयू में लोग जमा थे, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है, और इसीलिए रिपब्लिक टीवी जो एक तरह से इनका भोंकू है, तो उसको बाइट ना दें। आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि वो लोग, आप कुछ भी बोलिएगा, चलाएंगे जाके जो उनके संगी गुंडे बोलते हैं। तो बात यह है कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है, इसीलिए आप देखिए कल 70 लोग हमारे वहाँ आंधी से मरा यूपी में, और योगी जी वहाँ जाके बता रहे हैं हमारा प्रशासन कितना बढ़िया। अरे कौन सा प्रशासन बढ़िया, आंधी, एक आंधी से तुम्हारे वहाँ 70 लोगों का मौत हो जा रहा है, तुम बता के जा रहे हो वहाँ पे गुड गवर्नेंस का? साथियों एक इस चीज की यहाँ से गांड बात नहीं होगी, हम एएमयू के लोग, आप देखिए बीएचयू में जो महिलाओं का आंदोलन हुआ था वहाँ पे उनके लोग संगी लोग क्या कह रहे हैं, क्यों तो पिज्जा खाने आई, मतलब
कठुआ में रेप हो जाता है, लड़की का मर्डर कर देते हैं, उनके आरएसएस के जो उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि ये तो एक छोटी सी घटना है, इस चीज को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एमयू ये कसम खाता है, आज जेएनयू ये कसम खाता है, आज बीएचयू के लोग और तमाम लोग जिन एसएससी में जिनका घपला हुआ है, जिनके साथ जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है, उन युवाओं को कसम खानी होगी कि सरकार को, जिसके दम पे ये लोग कहते हैं कि भैया हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा बाप बैठा है लॉ एंड ऑर्डर पे, उसको हटाना होगा, उसको एकदम तख्त से तख्त नसी करना होगा, तभी हम दम लेंगे। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। एएमयू के साथ सारे साथियों से अपील है कि सब लोग खड़े हों देश में। शुक्रिया। आगे बातों से आमिर है, आमिर अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आए तमाम साथियों को हमारे संगठन भगत सिंह ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जय भीम लाल सलाम। साथियों, हम यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इसे ऐसे अर्जेंट समय पे एक ऐसी सरकार से मुखालफत कर बैठे हैं जो कि गुंडागर्दी, हुलिगनिज्म, तोड़ फोड़, कट्टा दिखाना, बंदूक दिखाना, तलवार दिखाना, तमंचा दिखाने में सबसे आगे है, और साथ ही साथ बहुत डरपोक भी है। दोनों बातें बता देता हूँ। जो अलीगढ़ में हुआ या किया गया वो मोहित ने और साथियों ने बात कर दी। मैं थोड़ा इस डिटेल में जानना चाहूंगा कि कैसे और ये क्यों किया गया। जब हामिद अंसारी एमयू में आते हैं, उनको एमयूएसयू का एक ट्रेडिशन रहा है कि अलग अलग नोटेड एलुमनाई को, वो नोटेड पॉलिटिशियंस को, नोटेड लोगों को वो एमयूएसयू का परमानेंट मेंबरशिप देती है। हामिद अंसारी को भी ये दिया जाना था और इसीलिए उस दिन ये टॉपिक रखा गया बात का, पब्लिक मीटिंग का, कि हैज इंडिया बीन एबल टू प्रोवाइड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, क्या भारत बहुसंख्यक समाज बनाने में सक्षम हुआ है। इस बात पर हामिद अंसारी लेक्चर देने वाले थे, लेकिन तभी योगी की पुलिस, आरएसएस के गुंडे, हिंदू जागरण समिति, विश्व हिंदू परिषद के गुंडों के साथ एमयू के गेट पे बाबे सैयद पे बार्जिन करते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पे तमंचा दिखाते हैं, उन्हें गर्दन पे बंदूक रख देते हैं और धमकाकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये योगी के गुंडे पुलिस की शक्ल में, वीएचपी की शक्ल में, हिंदू जागरण समिति की शक्ल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में ये गुंडागर्दी करते हैं। यही वो लोग हैं जो गुजरात में दंगा करने में, जो बाबरी ढहाने में, जो रोहित की हत्या करवाने में, जो कि जब जेएनयू पे अटैक हुआ था तो वहाँ कुछ साथियों की जान लेने पर तुला थे और वहाँ फिर ये लोग गेट पे आए थे। तो हमने इतिहास नहीं भूला है, अगर कोई इतिहास भूला है तो आरएसएस अपना इतिहास भूला है, जिनका कोई इतिहास ही नहीं। इनका इतिहास समर्पण का इतिहास है, ये ब्रिटिश को समर्पित लोग थे, ये गुलामी को समर्पित लोग हैं, ये गुलाम लोग, और जब गुलाम लोग के हाथ में सत्ता आती है तो वो वायलेंस करते हैं, और यही वो वायलेंस आज भी अलीगढ़ में वो लोग कर रहे हैं। लेकिन सलाम उन अलीगढ़ के साथियों को जो एक बार फिर से अपने जज्बों को दिखाते हुए, अपने इतिहास को दिखाते हुए सड़कों पर निकले, खून बहाया, लाठियों पुलिस की लाठियां खाई, पुलिस की गालियां खाई। सलाम उन अलीगढ़ की महिलाओं को जिन्होंने किसी सप्ताह पे भी एक चोट पहुंचाई और अपने बैरियर को तोड़ते हुए सड़कों पर निकली और दिखाया अपनी संख्या में कि हम में जो ताकत है वो शायद ही कहीं और होगी। अगर देश में कहीं इंकलाब आएगा, कहीं शुरुआत होती है, तो मैं दावे की बात कर सकता हूँ कि वो अलीगढ़ की महिलाओं को ज्यादा, क्योंकि अलीगढ़ की महिलाएं तमाम महिलाओं से ज्यादा
बाथरूम पे दमन होता है। मैं अलीगढ़ का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं इस चीज को जानता हूँ। मैं जानता हूँ किस तरीके से सेग्रीगेशन होता है। यही बात मैंने अलीगढ़ में जब मुझे और मैंने एक बार मेरी मुखालफत कर ली थी, इसके लिए मैं एक बात और जीप के लिए रेल रोको आंदोलन हुआ था। अब मैं थोड़ा नजीब पे आता हूँ कि कौन नजीब जेएनयू का छात्र मुसलमान छात्र जिसको एबीवीपी के गुंडों ने महिमानी हॉल में बेटा जी के साथ उस पर हमला किया, उसको मारा और उसके बाद आज तक उसको गायब करवा के रखा है। पता नहीं नजीब का चला आज तक रहा है। उसके आवाज में जब अलीगढ़ में रेलों को आंदोलन हुआ वहां भी पुलिस ने दमन किया। बस 5 मिनट और लूंगा, क्योंकि खून खौलता है, हड्डियां कड़कड़ाती है जब दिखता है कि हमारे लोगों पर हमला हो रहा है, जबकि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमला होना चाहिए। हमला इन लोगों पे होना चाहिए, इन लोगों पे अटैक किया जाना चाहिए, बेदर्दी से ऑफेंस में जाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने नफरत फैलाया है देश भर में। इन लोग मॉब लिंचिंग करता है देश भर में। ये लोग कभी जुनैद की शक्ल में, कभी अफ्तासुर की शक्ल में लोगों को, मुसलमानों को, कभी रोहित की शक्ल में दलितों पर हमला करता है। साथ ही साथ कभी ये लोग जिन्ना का बहाना ढूंढते हुए, कभी ये लोग किसी नारे का बहाना ढूंढते हुए, कभी ये लोग किसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग का बहाना ढूंढते हुए स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहा है। साथ ही साथ मोदी सरकार ये कहती है कि युवा शक्ति, सही बात है युवा शक्ति, हम दिखाएंगे कि युवा शक्ति क्या होती है। आपको पार्लियामेंट से हटाएंगे, आपको नागपुर से खदेड़ेंगे, आपको झंडे वाले से हटाएंगे और ये देश का युवा आपको बताएगा। The people of this country will tell you कि युवा शक्ति क्या है। और युवा शक्ति ने तमाम संकलित संगठन लोग संगठित होकर, महिलाएं, दलित, पिछड़े, मुसलमान, तमाम लोग आपको इस देश से नहीं, इस दुनिया से खदेड़ेंगे। और इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। शुक्रिया, अपनी बात रखें जैसे एमपीपी। जो इंडिया के हिस्ट्री में हमको एक प्रैक्टिस देख सकता है जो ब्राह्मण बाद कायम किया गया है, वो जो ऐसा था पिछड़े लोग जो वेदा सुने तो अगर सुने तो क्या उनको बर्बाद करना एक प्रैक्टिस कायम किए थे। वो जो इसलिए था, पहले परमिशन नहीं था वेदा पढ़ने के लिए, फिर वेदा कुछ सुने भी तो अगर उन्होंने बर्बाद करने का एक प्रैक्टिस था हमारे हिस्ट्री में। अभी जो क्या हो रहा है ये पूरा नॉलेज, पूरा जो इल्म, वो पूरा उनका हाथ में रहने के लिए कोशिश चल रहा था। अभी जो उनका एक दूसरा एंगल से हमारे सामने वापस आ रहा है, इसलिए हम जो एचसीयू से लेकर अभी जो एएमयू तक पूरा हिस्ट्री देखे तो हमको ये पता चला होगा वो ये जो दूसरा एक एंगल से ये जो हिस्ट्री, एक जो नॉलेज मोनोपोली का एक हिस्ट्री है अभी जो वापस आ रहा है, वो जो बहुत जो बुरी बात है, बहुत शेमफुल है। दिस शेमफुल एक्ट इज एक्चुअली कमिंग बैक इन टू अवर सिनेरियो। सो हियर I would like to extend my solidarity wholeheartedly on behalf of my organization to this moment, and we will stand for AMU till the justice is delivered, till the culprits are punished, and we will keep this struggle go on until the justice is delivered. I would like to conclude my words. Ye ladai jari rahenge, itne baat aapke samne rakhe main khatam kar dunga. साथियों, इस प्रोटेस्ट की सॉलिडरिटी के लिए कई जगहों से लोग आए हैं। हमारे बीच आजमगढ़ से नूरुल हुदा साहब आए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़े टाइम कम है हम लोगों के पास, तो थोड़े संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। नूरुल हुदा साहब। साथियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ
ये एएमयू के छात्रों पे जो लाठी चार्ज किया गया है वो छात्रों पे लाठी चार्ज नहीं किया गया है, वो आपके एक बड़े इदारे को निशाना बना करके आपको दहशत के माहौल में लाने की कोशिश की गई है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। इसलिए कि वो कौन लोग हैं जो कैंपस में घुस करके और वो भी उपराष्ट्रपति के प्रोग्राम में पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का दुस्साहस करने का अंजाम देते हैं, और ये योगी के गुंडे, ये पुलिस आज भाजपा की कार्यकर्ता बनकर के उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मोदी की इशारे पर पूरे देश की पुलिस भाजपा की कार्यकर्ता बनकर के काम कर रही है। जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर ये बीजेपी जब सरकार में आई तो कहीं बेटी बचाओ, किससे बचाओ, बीजेपी से बचाओ। अभी आपने देखा कि बीजेपी का विधायक रेप करता है और वहाँ का उत्तर प्रदेश का डीजीपी उसको माननीय शब्द से संबोधित करता है, इससे बड़ा संस्कार कुछ और नहीं हो सकता। वो डीजीपी माननीय कहता है, इसका मतलब कि वो पहले ही इशारा कर दिया कि बेटी बचाओ, पहले भाजपा से उसके बाद रेपिस्ट से। सबसे बड़े रेपिस्ट बीजेपी के लोग हैं, हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे हैं। इस देश के अंदर जब जब कोई अत्याचार, भ्रष्टाचार, अराजकता, सांप्रदायिकता का नंगा नाच देखने को मिला है, तब तब ये छात्र नौजवान आगे आकर के उसकी लड़ाई लड़ने का काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये पुलिस के वर्दी के धौंस से, पुलिस की लाठी से एमयू के छात्र दबने वाले नहीं है। जिस दिन देश के छात्र हल्ला बोलेंगे उस दिन तुम्हारी वर्दी चमड़ी के साथ उतार ली जाएगी। इस बात को मैं ये बताने के लिए इस देश में आया हूँ। ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर, एक मिनट भाई साहब, इस देश के अंदर आज जिन्ना की बात उठाई जा रही है कि जिन्ना इस देश को दो टुकड़े में किया। इससे पहले कौन किया? उनका गुरु सावरकर, वो जो अंग्रेजों की दलाली करता था, जब काला पान पास आया और इस शर्त पे गोरे अंग्रेजों ने उसको छोड़ा कि जा करके जो हमारे वतन के दीवाने, तिरंगा के चाहने वाले, मुल्क को आजाद कराने वाले, एक तरफ जो भगत सिंह के रूप में फांसी के फंदे को चूम रहे थे, दूसरे तरफ अशफाक उल्ला खां के रूप में फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उस समय ये सावरकर अंग्रेजों की दलाली किया करता था और वो आरएसएस बना करके इस देश में उन गोरे अंग्रेजों की नजायज औलाद, ये काले अंग्रेज आज जो देश में हुकूमत कर रहे हैं, इनको खदेड़ने की तैयारी पूरे देश के छात्र को इकट्ठा होकर के करना पड़ेगा। आज इस बात को लेकर के हम लोग यूपी भवन घेरने के लिए आए हैं। इसलिए साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि एमयू के छात्रों के साथ आज पूरा जेएनयू नहीं, अलीगढ़ नहीं, पूरा भारत एक साथ है और हम लोग इस आंदोलन को देश का मुद्दा बना करके इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और 2019 में अगर देश के छात्र पॉलिटिकल हस्तक्षेप किए तो योगी जी गोरखपुर का रुख करेंगे और मोदी जी गुजरात का रुख करेंगे। इस बात को हम बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ अगर नाइंसाफी होगी, जुल्म जास्ती होगी, तो हम बताएंगे कि 21वीं सदी का ये कैसा इनकलाब है, 21वीं सदी का ये कैसा इनकलाब है, जिस्म है नकाब में, चेहरा बेनकाब है। इस पे इनके चेहरे देश में हम रोडों पे उतरेंगे, हर डिग्री कॉलेज और महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में जाने का काम करेंगे। इस बात को बताने के लिए एक सोच, एक तहरीक, एक आंदोलन लेकर के हम लोग आए हैं। इसलिए कि जुल्म तो फिर जुल्म है, पड़ता है तो मिट जाता है, जुल्म तो फिर जुल्म है, पड़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज जो खून बहाया है बीजेपी के लोगों ने, आज एक एक खून के कतरे का हिसाब लेने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। आज हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं,
उत्तर प्रदेश में योगी जी से पूछना चाहते हैं कि आप जो देश के भविष्य हैं, आज इन देश के नौजवानों पे आज जो तुम लाठियां बरसा रहे हो, क्या हमारे वतन के दीवाने, क्या फाकुल्ला खान ने इसीलिए फांसी के फंदे को चूमा था, क्या भगत सिंह ने इसीलिए फांसी के फंदे को चूमा था कि आजाद हिंदुस्तान के नौजवानों पे लाठियां बरसाई जाएंगी? लेकिन साथियों, वक्त कम है, इशारा हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जग बय सौ के शहादत में अब क्या कीजिए, अब तो हमने हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से कहां तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। बहुत शुक्रिया सुरुलता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाकी जितने स्पीकर बाकी जितने स्पीकर से रिक्वेस्ट है, समय हमारे पास बिल्कुल कम है। हमारे बीच नसीम अशरफ साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्लीज यहां से बाइक साइड पुराने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है एमयूसीओ के नसीम अशरफ साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बहुत संक्षिप्त में, समय कम है, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात। साथियों लाल सलाम, साथियों ये हमला अलीगढ़ पे नहीं है, ये हमला है हिंदुस्तान के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर। शुरू कहाँ से होता है? जेएनयू से, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये पैटर्न है। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत का एक बयान आया है कि हमें उसी तरह गुरुकुल की तरफ चले जाना चाहिए जहां औरतें पढ़ने के लायक नहीं रहेंगी, सिर्फ उसी गुरुकुल की तरफ चले जाओ जहां एकलव्य का उंगली काट दिया जाएगा। और एकलव्य कौन है इस मुल्क का वो आप जानते हैं, जहाँ दलितों का कोई जगह नहीं, जहाँ माइनॉरिटीज की तो कोई सेकेंड क्लास सिटीजन हो। तो दोस्तों ये पैटर्न है कि जहां भी गरीब दलित पढ़ने लायक है, जो भी यूनिवर्सिटी, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको खत्म कर दो, ये पैटर्न है। क्योंकि इन्होंने चार साल में कुछ नहीं किया है, देख लीजिए बयान कहां से आता है, त्रिपुरा से, और टीवी डिबेट त्रिपुरा जिसको लोग कभी न्यूज में नहीं सुनते थे, वहां क्या बोल रहा है बकवास, उस पर डिबेट करा रहे हैं। तो ये डिबेट क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम रोजगार के मसले को न उठाएं, हमें जो नौकरी मिल रही नहीं मिल रही है उसका मुद्दा नहीं उठाएं, जो वजीफा बंद हुआ है उस पर हम बात ना करें, दलितों में जो अत्याचार हो रहा है उस पर बात ना करें, जो लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है उस पर बात ना करें, कोई मुद्दा नहीं है। जब भी इलेक्शन होगा ऐसे मुद्दे उठाए डिमांड हमारा ये इस देश का उपराष्ट्रपति सोच नहीं सकता कि सरस्वती पूजा का बस में जाता है और पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बंदूक खरीदता है, वो खरीदने जाएंगे, एबीवीपी के गुंडे ये दोस्त खुलेआम इस तरह का उनके वार कर रहे हैं। दोस्तों और इसको समझना होगा, ये सरकार नहीं जाना होगा, जिंदा सावरकर में नहीं जाना होगा, इनसे सवाल करना होगा नौकरी कहाँ है, दर्ज कराने जाते हैं कहाँ, रेलगाड़ी इतनी क्यों चल रही है लेट, क्योंकि सबको प्राइवेटाइज करना है, बिक रहा है लाल किला, बिक गया, आगे दूसरा किला बिकेगा, ताजमहल बिकने वाला है, और हिंदुस्तान में ऐसी ही चुपचाप चलता रहेगा। मीडिया के लोगों से मेरा दरखास्त है कि आप इस बाइनरी में जो फंसे हुए हैं और आप ही लोग करवा रहे हैं, प्लीज इसको बंद कीजिए। बस मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा इस शेर के साथ कि तुलुए सुबह की खातिर हमें तो जागना होगा, तुलुए सुबह की खातिर हमें तो जागना होगा, वो चाहे मैं खबर में जिनको लुत्फ शाम लेना हो। शुक्रिया, लाल सलाम। इसके बाद मैं ऐसा से बहुत ही संक्षेप में दो मिनट की बात, शॉर्ट में टाइम कम है हमारे पास। साथियों मैं आदिर अर्शद और आयशा संगठन आप सभी साथियों का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और आप सभी साथियों को जय भीम लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों रखेंगे, उसके पहले इस पोस्टर पे आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूँ, उस पर लिखा है सौभाग्य और उस पर जो दोनों आदमी का फोटो है देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। बिल्कुल, जो पहला हमला यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हुआ
वो एससीयू से शुरू हुआ। रोहित वेमुला जिसकी सांस्थानिक हत्या करने के बाद भी एबीवीपी के गुंडे और वहां के वाइस चांसलर अप्पा राव वो अभी भी बने रहे, और इस सरकार ने जितने भी वाइस चांसलर अपॉइंट किए हैं इन सारे के सारे वाइस चांसलर ढोल, और हमारे नरेंद्र मोदी साहब को ढोल बजाना बहुत पसंद है और ये सारे ढोल है और इनको ये दिन रात बजाते हैं, ये बचते हैं तो काम करते हैं। उसके बाद दूसरा हमला आईबी रेड के थ्रू जामिया में हुआ। क्या जामिया सोचे नाम है सैयद मोहम्मद, उठा के आतंकवादी घोषित कर देंगे, उसमें वो नाकाम हो गए, वो फेल हो गए, हमने उनको नाकाम कर दिया। तीसरा हमला वो जेएनयू पे किया, जेएनयू में डॉक्टर वीडियो के साथ हमला हुआ, उसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद अनिर्बान और अन्य साथियों को उन्होंने जेलों में भर दिया, लेकिन एक बहुत मुशक्कत भरे आंदोलन के बाद, एक अच्छे आंदोलन के बाद उनको रिलीज किया गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फर्जी वाला था, वो एक फर्जी डॉक्टर वीडियो था, वो एबीवीपी के गुर्गो द्वारा वो वीडियो बनाया गया था और उसको जियो न्यूज और रिपब्लिक टीवी तब खुला, पहले टाइम्स नाउ था, और इनके अर्णब गोस्वामी डेली नेशन वांट्स टू नो और जेएनयू के हर लड़के को टेररिस्ट बोल देते, कहते थे वहां बम बरसा दो, वहां वीसी भी रहता है भाई, एबीवीपी के ही रहते हैं, किस पे बम बरसा दो, सिलेक्टिव बता ही दो, इतना बताना है तुमको। तो उसके बाद जो हमला हुआ है वो एएमयू पर हुआ, उसके पहले जामिया के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर काफी लंबी बहस छिड़ी रही, और जो एएमयू पे हमला है उस हमले को समझने की जरूरत है। बीएचयू में ठीक उसी दिन रिजर्वेशन काटा गया है प्रोफेसर की बहाली में, एससी और एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को कम किया गया, उस रिजर्वेशन काटने के मुद्दे से भटकाने के लिए एएमयू में हमला सुनियोजित तरीके से कराया गया, और वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के ऊपर हमला करने की साजिश में हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे तलवार और बंदूक के साथ कैंपस में घुसे, और जब ये कैंपस में घुसे तो वहां इनके नारे थे, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, भारत माता की जय। ये इतने घिनौने लोग हैं, उसी मुंह से पहले बोलेंगे माता और फिर बोलेंगे साला, ये इतने घिनौने लोग हैं, ये इस किस्म के बेहुदा बदतमीज और बेगैरत लोग। दरअसल संघ को दिक्कत जामिया से नहीं है, संघ को दिक्कत एमयू से नहीं है, उसको जामिया मिलिया के इस्लामिया से दिक्कत है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुस्लिम होने से दिक्कत है, ये उनकी परेशानी। संघ की इन सारी दिक्कतों को यहाँ कवर कर रहा है बहुत खतरनाक चैनल, रात को चलाएगा नेशन वांट्स टू नो अर्णब गोस्वामी। लेकिन खैर उन सभी बातों से दूर जाते हुए, ये जो संस्थानिक हमले हैं, ये जो सुनियोजित हमले हैं शिक्षक संस्थानों पे, रिजर्वेशन पे, रिजर्वेशन से लेकर के स्कॉलरशिप कटल कर देना, सीट कट कर देना, फंड कट कर देना, और अपर आवा जगदीश कुमार जैसे वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी में बैठा देना, जिनको मोदी सर पे मारेंगे तो बोलेगा बोल, अब बोलेंगे बैठ तो बैठ, वो उस किस्म का वाइस चांसलर। और ये जो मोदी सरकार, जो मोदी जी ने जो दलितों पर दमन किया है, जो मुसलमानों पर दमन किया है, मोदी जी ने किताब लिखी थी 2009 में, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो मजदूर, जो सफाई कर्मचारी उतरता है गटर साफ करने के लिए, उसमें उसको अध्यात्मिकता का आनंद मिलता है, जो कि क्षण की बात है, आओ तुम भी उतरो उसमें, लो अध्यात्मिकता का आनंद, तब तुमको समझ में आएगा एक सफाई कर्मचारी की जिंदगी क्या है, एक मजदूर की जिंदगी क्या है। लेकिन इनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इनका भगवा सावरकर का क्यों नहीं जोड़ी, सावरकर ने कहा था वॉल्यूम 2 है इंडियन कोड का, उसमें इंडियन साल का वो बनता था एक, उसका नाम भूल गया, वॉल्यूम 2 में लिखा है आई सपोर्ट जिन्ना एंड हिज डिमांड फॉर द सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम, और उस सपोर्ट के साथ सावरकर खड़े थे, और आज ये जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हैं, ये फर्जी डिबेट है, इनको अटैक करना चाहिए एमयू पे। और आज अभी भी 2 बजे खबर आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धारा 144 लगा दिया गया है, इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया है। तो जब देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट की सेवाएं बंद होती है, हम चुप हो जाते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो खामोशी आज यूपी के अलीगढ़ तक पहुंची है, कल बिहार पहुंचेगी, फिर वो केरला तक पहुंच जाएगी, और उस खामोशी के खिलाफ हमें आवाज उठाना है और इन संघी गुंडों को एक करारा जवाब देना है कि हम किसी से कमजोर नहीं है, तुम आत्मसमर्पण वाले लोग हो, तुमने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया, हमने समर्पण नहीं किया, हम समर्पण वाले लोग नहीं है और हम समर्पण पे यकीन करते हैं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम लाल सलाम। मुद्दे पे कल भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लीड कर रहे थे, मैं फिर पेश करता हूँ। साथियों, आप सभी को मेरा जौहर सलाम। जो हमारे पहले साथी बोल गए, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा। साथियों, दरअसल हम सबको ये बात को समझना होगा और जानना होगा कि इन संघियों का कोई इतिहास नहीं है सिवाय इसके कि जब आजाद भारत की लड़ाई चल रही थी तो
तो इनके नेता, इनके गोलवारकर, इनके सवारकर अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, और वो नेता जो अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब उनकी इतिहास को हम लिखते हैं और जब इनकी नाकामी, इनकी दलाली को लिखते हैं, तो इनके सीने पे वार होता है और ये सोचते हैं कि हम इतिहास बदल के अपने भी नेता को उस बराबरी पे लाएंगे। ये लड़ाई इस विचारधारा की है कि गोलवालकर ने सोचा था कि इस आजाद हिंदुस्तान में हम हिंदुत्व का राज शुरू करेंगे और जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको हाशिए पे फेंक देंगे, ना उन्हें पढ़ने का अवसर देंगे, ना उन्हें रोजगार का अवसर देंगे, ना उन्हें समानता का अवसर देंगे। लेकिन हम शुक्रगुजार है सर सैयद अहमद खान का, हम शुक्रगुजार है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, हम शुक्रगुजार है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, जिन्होंने एमयू बनाया, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया और हमें एजुकेशन का सबसे मजबूत हथियार दिया कि हम इसी समाज में बराबरी के दर्जे पे आगे खड़ा हो सके। साथियों ये डरते हैं, ये डरते हैं कि उस शोर को, उस रूट को खत्म करना चाहते हैं जहां से मौलाना अबुल कलाम आजाद निकलते हैं और सेकुलर एजुकेशन की बात करते हैं, या उस रूट को खत्म करना चाहते हैं जहां से इस देश का सबसे मजबूत साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम निकलता है, या उस रूट को खत्म करना चाहते हैं, उस समाज को तोड़ना चाहते हैं, उस समाज को बर्बाद करना चाहते हैं जहां से वीर अब्दुल हमीद पैदा होता है। साथियों ये कितनी शर्मनाक की बात है कि ये हिंदू युवा वाहिनी के गुंडे कैंपस में घुसते हैं और इस नियत के साथ घुसते हैं कि वो इस देश के उपराष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति जिसका खानदान ने इस देश की आजादी के लिए सबसे बड़ा कुर्बानी दिया। अगर आप इतिहास में जाएंगे, अब्दुल हमीद अंसारी मुख्तार अंसारी के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ये एक ऐसा परिवार हिंदुस्तान का था जिसके 19 सदस्यों ने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया। वाइस प्रेसिडेंट को अटैक करने के लिए गए थे, ये क्यों अटैक करने गए थे? ताकि ये दिखाना चाहते थे कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस के हमीद अंसारी को मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते। और शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन, ये संघी पुलिस प्रशासन भी इन्हीं हिंदू युवा वाहिनी के आतंकियों का साथ देता है। जब एमयू के छात्र वहाँ सलीके से डिसिप्लिन वे में एफआईआर करने जाते हैं तो उल्टा उन्हें पुलिस और फोर्स का इस्तेमाल करके लाठी बरसाया जाता है, गोलियां बरसाया जाता है, टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं। साथियों ये डर रहे हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के, पिछड़े दलित समुदाय के छात्र यूनिवर्सिटी तक न पहुंच सके। जब 1990 में मंडल का दौर आया तो इस समाज से दबा हुआ, कुचला हुआ, पिछड़ा हुआ समाज के एक नौजवान जब यूनिवर्सिटी पहुंचने लगा तो रोजगार के लिए अपना अधिकार मांगता था, समानता के लिए अपना अधिकार मांगता था, इंसाफ की लड़ाई में आगे आता था। अब ये वापस मनुवाद की इतिहास में जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणवाद की राजनीति को, इनकी ये नेता बने, ये सत्ता पे आगे काबिज हो और बाकी लोगों को गुलाम बनाए, ये इस चीज की लड़ाई है। साथियों बात आगे बढ़ाना चाहूंगा, थोड़ी सी और बात रखना चाहूंगा। आप जानते हैं कि 2013-14 में हायर एजुकेशन का बजट 10,000 करोड़ के आसपास था, आज 4 साल बाद 2017-18 में इसी हायर एजुकेशन का बजट करके इन्होंने 4,600 करोड़ मिला दिया, 50% से ज्यादा का बजट काटा, 50% कम कर दिया। साथियों मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जैसा स्कॉलरशिप चलता था जहाँ पे माइनॉरिटीज को रिसर्च करने के लिए हर साल 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता था, उसको बंद करने में लगे हुए हैं। साथियों हमें सोचना होगा कि अब सिर्फ एक अलीगढ़ और एक जामिया से काम नहीं चलेगा, हमें हर शहर में अलीगढ़ खड़ा करना होगा, हमें हर शहर में जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू खड़ा करना होगा। ये लड़ाई तभी, इनकी लड़ाई इन्होंने शुरुआत किया है, पहले ये जेएनयू पे टारगेट किए और सोचे कि इस यूनिवर्सिटी का एंटी नेशनल कहकर हम सत्ता पे आ जाएंगे, अब ये जामिया एमयू पे टारगेट किए हैं, ये सोच रहे हैं कि 2019 का जो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है तो एमयू को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इनको इस बार समझा देना है कि बेटा इस जगह तुमने गलत जगह पंगा लिया है, अब इस न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया लेवल पर तुम्हें आंदोलन का सामना। वक्त कम है, बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, बार बार हमारे साथी बड़े भाई का इशारा मिल रहा है। साथियों हमें इस लड़ाई को मजबूत बनाना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक एक स्टूडेंट के साथ हमें कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना, एक लड़ाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में चलेगा और एक लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पे चलेगा और सड़क से होकर संसद तक पहुंचेगा। साथियों इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, और तमाम साथियों को शहरयार से बहुत मुख्तसर में रखे, काफी लंबी लिस्ट है, बहुत मुख्तसर में अपनी बात रखे शहरयार। सबसे पहले मेरा नाम बता दूं, मैं शहरयार खान हूं फ्रॉम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज।
बहुत अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। मैं थोड़ा माहौल काफी टेंस हो गया है, मैं बस दो सवाल के साथ अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल है कि क्या वाकई जिना की जो छोटी सी पोर्ट्रेट है, फोटो है, तस्वीर जो है जामिया की है, क्या वो काफी खतरनाक है? उसमें से कोई पॉइजनस गैस निकल रहा है या फिर वो कोई महामारी फैलाने वाली है इस देश में, या फिर ये आरएसएस और बीजेपी के तर्कस से निकला हुआ एक तीर है जिसपे इस्लामोफोबिया का जहर लपटा गया है और इससे ये 2019 के लोकसभा चुनाव पे निशाना साधना चाहता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे तीर चलाए हैं जिनका नाम है लव जिहाद, घर वापसी, राम मंदिर जैसे राम बाण से भी इनका इलाज नहीं हुआ तो इन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे हमला शुरू किया, उसके बाद एमयू तक पहुंचे और एमयू में इस तरह की घटिया हरकत की जिसका मतलब कोई जवाब नहीं है। अब मैं बात करूं एमयू की, तो एमयू में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है हमें ये समझने की जरूरत है। मैं जो मैंने बात कही, जो सवाल किया, उस सवाल में ही इसका जवाब छुपा था कि प्रोपेगेंडा है इनका। इन्होंने एमयू पे इसलिए ऑर्गेनाइज हमला किया है, ये इसलिए किया है ताकि ये इस्लामोफोबिया को दिखा सके, ये जिन्ना के थ्रू मुसलमानों को जिन्ना से जोड़ने की कोशिश कर सके, पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर सके। लेकिन तुम फेल हो जाओगे, मुझे पता है। तुम चार धूर जमीन जो है इस मुसलमान का तुम लेकर के दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा। तुम तो मेरा पूरा वतन मांगना चाहते हो मुझसे, ये कैसे हो सकता है? सपने में भी नहीं ले सकते हो तुम। दूसरा सवाल मेरा इस भांड मीडिया से और ये जो आरएसएस के जो दलाल है जो हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या इस देश के विभाजन के लिए सिर्फ जिन्ना जिम्मेदार है? क्या टू नेशन थ्योरी पर सावरकर का क्या स्टैंड था? कौन सावरकर? 1937 में इलाहाबाद के अधिवेशन में, हिंदू महासभा के अधिवेशन में सावरकर ने कहा कि मैं टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इनको तो होमोजेनेसिटी से शुरू से नफरत थी। ये तो हेजेमोनी वाले लोग हैं, इनको तो डर था कि नेतृत्व तो किसका होगा और ये चाहते थे, ये हमेशा से चाहते थे कि ये जो मुसलमान है इस देश को छोड़ करके भाग जाए ताकि हम यहाँ पर राज कर सके। ये गंगा जमुनी जो तहजीब है इनको हमेशा से इन चीज से प्रॉब्लम रही है। तो सावरकर की बात देखिए, अब ये सावरकर, इस सावरकर के चेले इस यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, एमयू के कैंपस में घुसते हैं। और शर्म की बात क्या है, मुझे शर्म तब आई जब एमयू के कैंपस में जब वो घुसते हैं तो स्कॉट करते हुए पुलिस लेकर के अंदर जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, मुझे लगता है कि इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। और ये किससे मुत्तफिक है पता है? कुछ दिनों पहले परवीन तोगड़िया ने स्पीच दिया था और बोला था कि हमारे संघ में जो 3 दिन का ट्रेनिंग ले लेता है वो इस देश में आर्मी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और देश की रक्षा कर सकता है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने पुलिस ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और इनको स्कॉर्ट करते हुए ले गई। और किसकी सोच में, किसकी खोज में? आतंकियों की खोज में। कौन से आतंकी भाई? कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी नाम का एक बुढ़वा खसूट है जो देश के किसी कोने में बैठा हुआ है, शकुनी मामा। उसने एक मिनट बोलने दिए, शकुनी मामा, उसने एक सगुफा छोड़ा वहां से। क्या कि एमयू के अंदर में आतंकियों का गढ़ है और इस बात को इन्होंने माना, एक सगुफा छोड़ा और वो चाहते थे कि इस पे हमला करे और अपनी राजनीति चमकाए। ये बोलना ही था कि ये लंपटों की सेना, इन चमोटियों की सेना जिनका कोई अपना वजूद नहीं है, ये एमयू के कैंपस में घुसते हैं, वो भी कब? 2:30 बजे दिन में, जब एमयू के सारे बच्चे सो रहे होते हैं समय पर, रात के बाद घुसते हैं, नारेबाजी करते हैं और निकल जाते हैं। और वो सूरवीर योद्धा जो है बाहर निकल करके अपने आप को महावीर साबित करते हैं कि देखो मैं एमयू के कैंपस में घुस गया। अरे घुस तो गए, क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ पाओगे तुम? क्या कर लोगे? एमयू के माहौल को तुम बर्बाद कर पाओगे? तुम्हारे से कितने लंपट आए और चले गए? एमयू इतना कमजोर नहीं है, एमयू इतना कमजोर नहीं है कि तुम इस तरह से संस्था को बर्बाद कर दो। और योगी का ये जो दोहरा मापदंड है वो सारी दुनिया देख रही है। दूसरी बात कि हम जो है अशफाक, भगत सिंह और आजाद के मानने वाले लोग हैं, हमको कितना भी जिन्ना से जोड़ोगे हम जुड़ने वाले नहीं है, जिन्ना से नहीं जुड़ेंगे, हम आजाद के मानने वाले, अशफाक के मांगने वाले हैं। लास्ट में एक शेर के साथ मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि मादरे वतन हमें जान से प्यारी है तू, मादरे वतन हमें जान से प्यारी है तू, हम तेरे राजों की गंबाजी नहीं कर सकते, हम भगत सिंह भी, अशफाक भी, आजाद भी हैं, मर तो सकते हैं लेकिन दगाबाजी नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत। साथी एमयू से हमारे साथी अशर नुमानी साहब आए हुए हैं, वो इस प्रोटेस्ट के लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ
मुख्तसर में अपनी बात रखी, जितने भी साथी आ रहे हैं बहुत शॉर्ट में रखे, लिस्ट लंबी है, बहुत मेरा नागेश पकड़ी शॉर्ट में अपनी बात रखी। देखिए यहाँ मौजूद मैं सारे भाइयों को बता दूं कि बहुत सारी बातें आपने सुन ली, मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे गलत जो एक चीज़ चलाई जा रही है वो ये कि इस पूरे इशू को जिन्ना के पोर्ट्रेट से लेके जोड़ा जा रहा है। मैं आपको ये बात बता दूं कि जिन्ना के पोर्ट्रेट को इस इशू से कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरा जो उन भीड़ का, उस गुंडों का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हामिद अंसारी पे किस तरीके से अटैक किया जाए। और जैसा कि इन लोगों ने, आरएसएस के गुंडों ने देश के महापुरुष, हमारे देश के पिता गांधी जी को मारा, उसी तरीके से हामिद बहरहाल मैं पूछना चाहूँगा आप अभी बोले देखिए, ये एमयू पे हमला नहीं है, ये हमारे उन उच्च स्तरीय हिंदुस्तान के एमयू पे हमला है जहाँ से मुस्लिम खास करके, जहाँ से हाई एजुकेटेड और हाई सोसाइटी में लोग जाते हैं, जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर और नेता पैदा होते हैं, उस पे ये हमला है। और ये सोची समझी साजिश के तहत ये इसलिए हमला किया गया है, आज जिन्ना के नाम पे हमला किया गया है। मैं तो कहता हूँ कि जिन्ना के एक फोटो से कौन सी वो आग उगल रही है, जिन्ना की उस फोटो से ऐसा है कि जिन्ना तो बहाना है निशाना 2019 का। हाँ, तो निशाना 2019 का है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उससे पहले, उस फोटो से पहले नाथूराम गोडसे की फोटो इस हिंदुस्तान से हटाई जाए जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या किया। उससे पहले यहाँ जो जिंदा लाल की आडवाणी है, पाकिस्तान का भगेड़ू, वो हिंदुस्तान में क्या कर रहा है, पहले उसको पाकिस्तान भेजा जाए इस तरह से। और पाकिस्तान से इतनी नफरत है, उधर 2019 की तैयारी है, तो बिन बुलाए मोदी जी बिरयानी खाने क्यों चले जाते हैं पाकिस्तान में, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो जैसे आपने बताया, यानी हिपोक्रेसी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बात को रखा बहुत ही अग्रेसिव वे में और आपने स्टूडेंट के जज्बात बताया, एज ए क्या समझते हैं आज इसके मौजूदा वक्त में स्टूडेंट एज ए विपक्ष है? स्टूडेंट विपक्ष सरकार बनाती है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस तरह की राजनीति की है, वो कभी स्टूडेंट को विपक्ष बनने नहीं देती है। ये जो सरकार है ये ऐसी हरकत करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे हमला करती है और ऐसे ऐसे सेंसिटिव मैटर पे टारगेट करती है कि स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो भी सड़कों पर आते हैं। तो बात यहाँ है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे जब ये सोचने लगेंगे कि कैसे लोग सरकार चला रहे हैं, कितनी घटिया सोच वाले, कितनी घटिया मानसिकता वाले लोग, आप बताइए कि इन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो फोटो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े संस्थानों में, बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे ओरिएंटल जो हैं ब्रिटिशर्स और कोलोनियलिस्ट ब्रिटिश हैं, उनका जो है कोलोनियलिस्ट ब्रिटिशर्स हैं, ओरिएंटल ब्रिटिशर्स हैं, उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है, उनका फोटो लगा हुआ है। अगर ऐसा होता तो वो सारे संस्थान कभी ना कभी, चाहे आज ही, ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज बन गए होते। तो आप कैसे सोचते हैं यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बन जाए? जैसे कि आप भी नारा लगाएं, क्यों ऐसा माहौल पैदा हुआ है आजकल खासकर हिंदुस्तान में स्टूडेंट के अंदर? देखिए, जब से ये सरकार आई है 2019 के बाद, तो जब से आई है तब से एक माइनॉरिटी तबका जो है, माइनॉरिटी तबका पे अटैक हो रहा है। पहले तो सबसे पहले अखलाक की हत्या हुई, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जेएनयू से नजीब को गायब किया हुआ, एसयू पे हमला हुआ, एसयू के बाद डीयू पे रामजस पे हमला हुआ, जामिया में भी रेड पड़ी और अब एएमयू को निशाना बनाया जा रहा है कि ताकि वहाँ जो माइनॉरिटी बच्चा है जो पढ़ रहा है, जो वहाँ जो माइनॉरिटी बच्चा जो पढ़ रहा है वो ना मानते हैं स्टूडेंट इस वक्त विपक्ष का रोल पूरा कर रहे हैं? हाँ, आज क्योंकि इस वक्त तो कांग्रेस सरकार जो है वो तो मरी हुई है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि विपक्ष का रोल पूरा स्टूडेंट अपना रहा है, जो सड़कों पे आ रहा है और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ से यूपी भवन, जो कि दिल्ली में, यहाँ पर बहुत ही एक भीड़ जनसैलाब की तरह आई हुई है और यहाँ पर बात स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आए हैं और अपनी बात को रखे हैं और यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही है।